स्लाइड भेजी भले सबको, अब तो हो रही है ना? मुझे लगता है मेरे तरफ से कुछ नेटवर्क जी इशू आ रहा है। जी हो रहा है, अभी हो रहा है। ठीक है ओके। चलिए, रिलायबिलिटी से आप लोग क्या क्या समझते हैं? आप लोग डे टू डे लाइफ में रिलायबिलिटी यूज करते हैं ना कि ये बंदा रिलायबल नहीं है, तो इससे क्या क्या मतलब लगता है आपको प्रैक्टिकली लाइफ में? विश्वसनीय है, सच विश्वास बोल रहे ठीक हैं, सच है। बोल रहे हैं, जो कहा इन्होंने कोई रिसर्च के बाद कहा होगा, कुछ पढ़ा होगा तो ये बात कही होगी, जानकारी होगी सामने वाले को तो कहा होगा। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना डे टू डे लाइफ में मैम कि ये देखिए बंदा बहुत मैम, रिलायबल है। कंसिस्टेंसी देखी जाती है, एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी देखी जाती है किसी चीज की, जब हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलायबल है और नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए हम अपने दोस्तों में ही है कि हमने किसी को बुक दिया या पैसे दिए, तो वो हमें टाइम पे वापस कर दिया उसने, ठीक है। या फिर हमने दूसरे दूसरे बार भी उससे उसने मेरे से मांगा, फिर मैं उसको दी, फिर से मुझे वापस कर दिया। तो रिलायबल ये समझते हैं हम लोग जनरल से कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ रिसर्च में रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी मतलब जो हमने कल एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ा था ना, कि जो भी चीज हम बना रहे हैं या जो भी चीज हम रिसर्च कर रहे हैं वो जनरलाइजेबल है कि नहीं, वो सब पे जनरलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है मैं ही जो आपने कोई भी अगर मॉड्यूल बना, जैसे मैं आपको उस दिन एक मॉड्यूल पेपर शेयर की थी, योगा योगा मॉड्यूल, तो वो योगा मॉड्यूल सिर्फ उस मतलब जो जो रिसर्चर ने कहा है कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, वो योगा मॉड्यूल की रिलायबिलिटी क्या है? मतलब कल को अगर आप उसको यूज करते हैं उन बच्चों के ऊपर, तो वो कितना रिलायबल है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है उसके रिजल्ट की, कि जो रिसर्चर ने बताया है ये वही है या फिर जो है आपका कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी में भी दो तरह का हो जाता है, इंटरनल रिलायबिलिटी और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी ज्यादा वैलिड होता है, उसमें भी दो दो टाइप्स है, और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी कम वैलिड होता है, उसके भी जो है दो टाइप्स है, ठीक है। रिलायबिलिटी हुआ कि आपकी रिसर्च जो आपने की है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जैसे कोविड का वैक्सीन बना, तो वो उसकी रिलायबिलिटी होगी ना, तभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर वर्ल्ड जो को वैक्सीन था उसको सब सबको दिया गया, वो रिलायबल होगा उनका रिसर्च, ठीक है, कि उसको लेने से सबकी इम्यून सिस्टम बढ़ गई, यही था। तो उसी तरह कोई भी रिसर्च होता है तो उसका हम लोग रिलायबिलिटी नापते हैं। रिलायबिलिटी नापने का चार तरीका होता है, ऐसे इसको दो भाग में बांटा गया है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल के दो है और इंटरनल के दो टाइप्स है, ठीक है। तो हम लोग बस ये चेक करते हैं कि उसको हम जनरलाइज कर, मतलब वो कितना जनरलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए रिलायबिलिटी का ये मतलब समझिए कि मैंने आपको बोला कि पेपर जो अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं उसका आपसे टेस्ट लूंगी, ठीक है। आपने जो है टेस्ट दिया, उसके बाद फिर मैं उसी क्वेश्चन पे फिर से आपको टेस्ट देती हूँ, ठीक है। फिर से मैं देखती हूँ कि आपको उतने नंबर आए या नहीं आए, ठीक है। अब जैसे कोई यूजीसी नेट एग्जाम एक बार क्वालिफाई करता है, अगर उसको फिर से एग्जाम देने के लिए बैठाया जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको थोड़ा नंबर कम आए या थोड़ा ज्यादा आ जाए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल फेल हो जाए ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल जो है उसको 20-10% आ जाए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि एक बार जो हमने मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट सब पे जो है हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो जब भी हम जो है कोई रिसर्च होता है तो उसका रिलायबिलिटी टेस्टिंग होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग के भी चार तरीके हैं, आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी नापने के लिए जो तरीका होता है वो चीज हम पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, कि उसकी कंसिस्टेंसी किसी रिसर्च की कैसे नापते हैं, क्या क्या तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में जो ये पहला दो है, टेस्ट रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट, ठीक है, कि आपका रिसर्च कितना कंसिस्टेंस है, कितनी कंसिस्टेंसी है आपके रिसर्च में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में आपका टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है,
इंटरनल कंसिस्टेंसी है और इंटररेटर रिलायबिलिटी है। तो ये जो लास्ट के दो है ये जो है आपके इंटरनल रिलायबिलिटी है, और ये जो शुरू का दो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये आपका एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। जैसा आपको नाम से लग रहा है टेस्ट फिर रिटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब किसी रिसर्चर ने उसने एक रिसर्च किया, उसका रिजल्ट आया, फिर उसी को किसी और ने किया, फिर उसी के आसपास रिजल्ट आया, मतलब उसी टेस्ट को हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। या हम रिसर्च करने के पहले हम एक असेसमेंट टूल को एक स्टॉप वॉच लगा करके टेस्ट कर रहे हैं कि 5 मिनट में इसकी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा सेम आ रही है कि चेंज हो रहा है। मतलब जब एक टेस्ट को हम बार बार कर रहे होते हैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, तो उसको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हुआ। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी कि एक ही बच्चे का, मान लीजिए मैंने किसी का टेस्ट लिया और एक ही आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग सबको जो है रिसर्च का पेपर का मैं टेस्ट लूंगी, आपको सबको टेस्ट देना है। 10 क्वेश्चन मैंने दिया, किसी को 8 आया, किसी को 5 आया, किसी को 6 आया। ठीक है, फिर वही टेस्ट पेपर मैं दोबारा से दी और आपको फिर आपके बैच को फिर उतना उतना ही नंबर आया, जिसको 5 आया था उसको 5 ही आया, जिसको 6 आया था उसको 6 ही आया। तो मतलब एक ही टेस्ट को मैं बार बार रीटेस्ट ले रही हूँ, उतना ही टाइम दे रही हूँ आपको, उतने समय का ले रही हूँ, ऑनलाइन ही ले रही हूँ, सबके लिए क्राइटेरिया एक ही है और उसी टेस्ट को मैं बार बार आपके ऊपर टेस्ट ले रही हूँ और मेरा रिजल्ट जो है सेम आ रहा है। तो मतलब अगर सेम आ रहा है, आप सेम दे रहे हैं, तो वो जो है हमारा क्या हो गया कि जो है इस बैच में कंसिस्टेंसी अच्छी है इस बैच की, कि मैं जो जो टेस्ट ले रही हूँ बार बार एक ही क्वेश्चन पे बच्चे उतना ही जो है उतना ही टाइम दे रही हूँ, ऑनलाइन ही ले रही हूँ और उनको वही नंबर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, आधे घंटे के बाद भी मैंने लिया तो वही हुआ, आधे घंटे पहले भी ली तो उतना ही आया हूँ। तो उसी तरह जो है, बस मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, आपको टेस्ट रिटेस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं आपको टेस्ट का दी थी। इसी तरह हम जब कोई रिलायबिलिटी चेक करते हैं और उसी मेजरमेंट को बार बार टेस्ट करते हैं उसी सेम पॉपुलेशन के ऊपर उसी टाइमिंग के अंदर, और रिजल्ट हमारा सेम आता है या लगभग उतना ही आता है, तो उसको हम इस तरह के टेस्टिंग को या इस तरह के रिलायबिलिटी को हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टूल्स पर बात हो रही है। हाँ, ये टूल्स पे भी बात हो रही है। और आपके मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट तरह का रिसर्च होता है ना। ठीक है, मान लीजिए कि आपको टेस्ट रिटेस्ट मैं एक मॉड्यूल डेवलप की, ठीक है, और वो मॉड्यूल आप जो है 5 से 10 साल के बच्चे के ऊपर मैं मॉड्यूल डेवलप की और मैंने लिखा कि ये होता है, फिर आप सेम मॉड्यूल फिर से यूज करती हैं। ठीक है, वही मतलब उसी मॉड्यूल का बार बार टेस्ट हो रहा है, या एक असेसमेंट टूल आप यूज कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी ये आपके रिसर्च पे भी हो सकता है और आपके असेसमेंट टूल पे भी आप इसको टेस्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एंजाइटी ही नापना है और उसमें जो है मीटर है कि 5 मिनट में इसका जो है ये रिजल्ट होता है, तो मैं क्या की कि उसी बंदे पे 5 मिनट के बाद बार बार टेस्ट ली, फिर मतलब टेस्ट रिटेस्ट टेस्ट रिटेस्ट, और देखिए कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है उस असेसमेंट टूल की। तो ये दोनों पे लागू होता है, आपका असेसमेंट टूल पे भी लागू होता है, या कोई जो है हम इन फ्यूचर जो कोई रिसर्च को फिर से जो है हम करते हैं, तो कहने का मतलब है कि आपकी जो आपका जो भी रिलायबिलिटी चेक जिस चीज का भी आप कर रही हैं डिपेंड कर उसको सेम उतने में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ये मतलब मेरे रिसर्च में हुआ और आपके रिसर्च में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल रिलायबिलिटी के एक तरीका है। हाँ बताइए मैम, टेस्ट जब भी हम करेंगे मतलब सेम ही आना चाहिए रिजल्ट, मतलब एक्यूरेसी उसकी बिल्कुल सेम ही रहनी चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल। देखिए मान लीजिए आपको टेस्ट में 5 आए, हो सकता है कि आधे घंटे के बाद फिर उसी टेस्ट पेपर पे आपको 6 आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्या थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है, माइनर प्लस माइनस हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 5 आए, फिर नेक्स्ट टाइम में 6 आए,
हो सकता है चार चार भी आए, तो इसमें ज्यादा आपका प्लस माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका सीधे मतलब जो मेरा रिजल्ट आया है या जो असेसमेंट टूल है वो सीधे 0 आ जाए या सीधे 1 पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें कोई थर्मामीटर लेना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो थर्मामीटर है उसका रीडिंग सही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि थर्मामीटर खराब हो जाता है, वो रीडिंग सही नहीं देता है, कभी बहुत ज्यादा दिखा देता है, कभी बहुत कम दिखा देता है। खास करके आजकल जो वो वाले आए हैं ना थर्मामीटर, डिजिटल डिजिटल हाँ डिजिटल वाले, जिसकी डिजिटल रीडिंग, हाँ जो डिजिटल वाले हैं मोस्टली उसमें पाया गया है कि उसकी रीडिंग सही नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार लगाए तो मुझे डाउट डाउट हुआ, तो फिर क्या किया मैंने, अपने ऊपर लगाई कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल होगा ना, चलो इसको फीवर इसको कम कम होगा, फिर मैं अपने ऊपर लगाई, फिर दूसरे एक, तो एक ये जो असेसमेंट टूल है थर्मोमीटर, इसका भी तो आप टेस्ट रिटेस्ट लेते हैं ना कि ये सही है कि नहीं। तो उसी तरह वो असेसमेंट टूल हो आपका या फिर आपका रिसर्च का कोई रिजल्ट हो, अगर उसको आप 1 से 2 बार 3 बार यूज करती हैं तो उसका जो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर उसको फीवर है, उसको 100 है टेम्परेचर, तो मेरा तो नॉर्मल है, मेरा तो 98 पॉइंट होना चाहिए समथिंग, है ना। और मान लीजिए कि मुझे भी डाउट हो गया अपने ऊपर, फिर उसको मैं तीसरे पे लगाती हूँ, ठीक है, तो तीसरा का भी टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका तो उतना आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम जो है एक ही टेस्ट को जब बार बार, चाहे तो कोई असेसमेंट टूल का हो चाहे तो रिजल्ट का है, हम 1 से 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे टेस्ट करते हैं, तो उसको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। इस तरह की जो रिलायबिलिटी होती है उसको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैम, जैसे कि अभी आपने इसका थर्मामीटर का एग्जांपल लिया, तो इसमें जैसे कि अगर हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते, जैसे सपोज उसको ठंडे पानी से स्पंज देते हैं, तो उस कंडीशन में चेंज हो सकती हैं चीजें, लेकिन जब तक अगर चीजें कुछ नहीं कर रहे हैं तो सेम चीजें आनी चाहिए। हाँ, जो आपका रिजल्ट है ना उसमें कंसिस्टेंसी होनी होनी चाहिए। जैसे थर्मामीटर से अगर आप किसी नॉर्मल आदमी को नापेंगे तो उसका क्या होगा, हो सकता है 97 हो जाए, हो सकता है 99 हो जाए, और नॉर्मल होगा तो 98 हो जाए। इससे ज्यादा तो वेरिएशन नहीं होगा ना, यस इससे ज्यादा तो मैम, वेरिएशन एक का, और ज्यादा वेरिएशन हो गया तो वेरिएबल में आ जाएगा, तो इसका मतलब वो थर्मामीटर क्या है, वो रिलायबल नहीं है, वो खराब है। मतलब अगर मान लीजिए कि जिसको फीवर है उसका भी 98 पॉइंट दिखा रहा है समथिंग, मुझे फीवर नहीं है, मेरा भी 98 दिखा रहा है, तीसरे का भी इतना ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो थर्मामीटर, वो असेसमेंट टूल रिलायबल नहीं है। ऐसा ही बोलेंगे ना हम कि इसकी इसका टेस्ट सही नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है, इसको मत 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 यूज करो, मतलब ये रिलायबल नहीं है। तो जब हम एक ही टेस्ट को बार बार करते हैं तो उसको हम लोग टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। और मैम, कुछ एक्सटर्नल कुछ देखिए आपने वर्ड यूज किया था, उसका क्या ये जो मतलब? दो है ना, ये एग्जाम में एक्चुअली आया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं हो। ऊपर का जो दो है ये एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये दो रिलायबिलिटी को हम लोग एक्सटर्नल रिलायबिलिटी कहते हैं। और इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसको हम क्रॉम्बैक अल्फा भी बोलते हैं, और इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इसको हम लोग इंटरनल रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये दो जो है हमारा इंटरनल रिलायबिलिटी है और ये दो हमारा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो इंटरनल रिलायबिलिटी सबसे अच्छा होता है। अगर किसी को मतलब आप मेरे से पूछे कि चारों में सबसे अच्छा कौन है या सबसे अच्छा जो है किस पे ज्यादा बिलीव करे, ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है इंटरनल रिलायबिलिटी को माना जाता है। इसीलिए कभी भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, अभी जो रिसेंटली रिसर्च पेपर 5 साल तक का पढ़ेंगे, उसमें आपको लिखा रहेगा कि इस रिसर्च का क्रॉम्बैक अल्फा इतना आया है। क्रॉम्बैक अल्फा का मतलब हो गया वो रिलायबिलिटी के बारे में बता रहा है आपको। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके इसके बारे में, ठीक है। तो टेस्ट ओके रिटेस्ट रिलायबिलिटी हो गया, चाहे कोई असेसमेंट टूल हो चाहे कोई रिसर्च का रिजल्ट हो, जब तक वो जो है आप उसको बार बार एक ही एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में या यूनिफॉर्म सेटिंग में जब उसको जो है आप यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, तो उस असेसमेंट टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं, और या नहीं तो उस टेस्ट के रिजल्ट को हम रिलायबल बोलते हैं, ठीक है, कि ये रिलायबल है, इसको हम लोग बार बार भी यूज किए हैं तो भी इसका रिजल्ट ऐसा ही आया है, ठीक है। मैम, हाँ हाँ मैम बताइए। रिटेस्ट में भी भाई डिफरेंट रिसर्चर और
बाय डिफरेंट टूल और ऑन डिफरेंट सैंपल. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए असेसमेंट टूल सेम है। देखिए अगर आप असेसमेंट टूल की बात कर रहे हैं तो असेसमेंट टूल मेरा थर्मामीटर आपके लिए भी है और मेरे मेरे लिए भी है, ठीक है। और जी अगर रिसर्च की बात कर रहे हैं तो जो रिसर्च मैंने की है वही रिसर्च आपके लिए, मतलब सेम रिसर्च सेम असेसमेंट टूल। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं थर्मामीटर पे कर रही हूँ और आप किसी और चीज पे कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो हम उसका रीडिंग से पता करेंगे ना, कि ये जैसे थर्मामीटर का मैं एग्जाम्पल दी कि हम एक बार लिए, दो बार लिए, तीन बार लिए, चार बार लिए, लेकिन वो जो है हमें बार बार रिजल्ट गलत दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो थर्मामीटर जो है रिलायबल नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट सही नहीं है क्योंकि जिसको फीवर है उसका भी 98 आ रहा है, जो नॉर्मल है उसका भी 98 आ रहा है, ठीक है। तो एक ही जब असेसमेंट टूल को हम बार बार यूज कर रहे हैं फिर भी उसका जो है रीडिंग सही नहीं आ रहा है तो वो जो है रिलायबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जी जो भी असेसमेंट टूल आप यूज करते हैं ना, देखिए जैसे कि आप बीपी मशीन यूज करते हो तो आपको पता है ना कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। आप जब अपने रिसर्च में यूज करते हैं तो आपके असेसमेंट टूल का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो हमको सारा कुछ पता होता है कि इसका हाइयर क्या होगा, बीपी हाई कब होगा, बीपी लो कब होगा, बीपी नॉर्मल क्या होता है। उसी तरह जैसे थर्मोमीटर यूज करते हैं तो जो है नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, हाइयर टेम्परेचर किसको बोलेंगे, कितना टेम्परेचर होगा कि डॉक्टर के, मतलब ये हमें पता होना चाहिए रिसर्च करने के पहले जो भी हमारा टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सैंपल के ऊपर भी कर सकते हैं. हाँ नहीं, सैंपल आपका डिफरेंट होगा लेकिन एज ग्रुप तो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि जी 5 से 10 साल, तो सेम है. हाँ एज ग्रुप सेम सेम होगा। सैंपल आप कहीं पे भी कीजिए, एज ग्रुप जिस रिसर्च पेपर में जो दिया हुआ है वही उसी एज पे जो है आप उसको जनरलाइज कीजिएगा, एज ग्रुप डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी चलिए ये देखिए टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी ड्यूरिंग द टेस्ट रिटेस्ट पीरियड इट इज एज्यूम दैट नो चेंज हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट। ड्यूरेशन बिटवीन द टेस्ट एंड द रीटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट स्टेट और ट्रेड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि मेजरमेंट इज डन ट्वाइस, जैसा मैं आपको बताई कि दो बार जब किसी असेसमेंट टूल को हम यूज करते हैं या दो बार किसी रिसर्च के रिजल्ट को यूज करते हैं तो हमें दो बार करना होता है, मतलब एक बार टेस्ट एक बार रिटेस्ट। हो सकता है उसको तीसरा बार भी करे, चौथा चौथा बार भी करे, क्योंकि रिटेस्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट, कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि कोरिलेशन मतलब होता है दो वेरिएबल का जो संबंध होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए योगा डिप्रेशन को कम करता है तो दो वेरिएबल में योगा क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल, और डिप्रेशन क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट. तो इन दोनों में कोई तो रिलेशन होगा, योगा देने से यानी तो वो कम हो रहा होगा, डिप्रेशन यानी तो ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई तो रिलेशन होगा दोनों में। अगर मान लीजिए योगा हम किसी को देते हैं और डिप्रेशन कम होता है, ठीक है, तो इन दोनों में एक रिलेशन है ना, तो कोरिलेशन बोलते हैं कि जब दो वेरिएबल्स में जो रिलेशन होता है, ठीक है, चाहे तो वो घटता है चाहे तो वो बढ़ता है, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और दोनों साथ साथ एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसको निगेटिव बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है ये वर्ड, ठीक है। अभी इतना समझिए कि ये दो वेरिएबल का जब हम रिलेशनशिप, जो जो भी रिलेशन होता है उनके घटने बढ़ने का, उसको कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट, अब दो मेजरमेंट है ना आपके पास। अगर हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी लेते हैं, मान लीजिए हमने थर्मामीटर का ही लिया, ठीक है, तो मेरे पास दो तीन मेजरमेंट आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया, ठीक है। ए बी सी का जो है हमारे पास मेजरमेंट आ गया, तो हम उसका जो है, अब जैसे मान लीजिए कि ए का भी 98 है, बी का भी 98 है, सी का भी 98 है, तो सबका मेजरमेंट तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो सेम, मतलब एक ही है ना, कंसिस्टेंसी है उनके रिलेशनशिप में, वेरिएबल के रिलेशनशिप में। जो हम टेम्परेचर नाप रहे हैं उसमें जो है कंसिस्टेंसी है, ठीक है।
तो जो दो तो उसमें जो है हमें हम निकालेंगे ना कि जो है जो थर्मामीटर हमने यूज किया वो ए बी सी तीनों के लिए सेम है। अगर सेम है तो क्या है, वो रिलायबल है, ठीक है। तो उनके बीच का हमें संबंध रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन क्या है कि ए का भी सेम हो गया, बी का भी सेम है, सी का भी सेम है, तो थर्मामीटर क्या है, जो असेसमेंट टूल है वो हमारा रिलायबल है, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द टेस्ट रिटेस्ट पीरियड इट इज एज्यूम दैट नो चेंज हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि जब आप कोई असेसमेंट टूल, जब आप दो बार तीन बार चार बार पांच बार टेस्ट लेते हैं तो उसको एक दूसरे से आपको ये नहीं देखना है कि उसको आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी को फीवर है, ठीक है, किसी को फीवर है और हमने जो है उसको उसका बार बार टेम्परेचर लिया हमने, ठीक है, किसी को फीवर है उसको हम बार बार टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हमें ये एज्यूम करना है कि उसमें कोई चेंज, जब हम जब रिलायबिलिटी निकालते हैं ना, ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिकल जब हम रिलायबिलिटी निकालते हैं स्टैट्स के थ्रू या जैसे भी जैसे टेस्ट रिटेस्ट के थ्रू जो रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम उसमें जो है हमें ये सोच के चलना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो हम बाद में मिलाएंगे ना उसका रिलेशन। जैसे थर्मोमीटर पे 98 98 98 तीन बार आया, तो हमें तो ये सोच के चलना है ना कि फीवर, जैसे कि किसी को फीवर होगा तभी तो उसका बढ़ के आएगा, जो हमारा सैंपल है उसका कुछ ना कुछ नॉर्मल पॉइंट होगा, जो भी हम असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं उसका कुछ ना, जैसे कि थर्मोमीटर का है 98, ठीक है, और हमें ये दिमाग में रख के नहीं चलना है कि जो है 98 है तो 98 का ही जो है हमें, मतलब जो हमें पता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सैंपल है जिसपे हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, उसका हमें रीडिंग देख के ये पता करना है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। पहले से हमें, जैसे कि मैं आपको बताई ना कि रिसर्च आपका सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपके सोच पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए। अगर किसी को फीवर है, पांच लोगों को फीवर है और पांच लोगों को 5 मिनट तक हम थर्मामीटर उसके अंदर रखते हैं और सबका 100 आ रहा है, 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, तो हमें ये मान के हमें ये उस समय नहीं सोचना है कि इसको फीवर है तो इसको ज्यादा ही आएगा, ठीक है, हमें ये सोच के नहीं चलना है, क्योंकि हम किसी असेसमेंट टूल का टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं ना, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि वो जो है हमारा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन जब हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करते हैं तो उसको हमें बिल्कुल जीरो, मतलब रीडिंग को हम सब्जेक्टिव मान के नहीं चलेंगे कि इसको फीवर है तो इसको ये होना चाहिए, ठीक है, जो भी रीडिंग आया है उसका जो है प्रॉपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होगा, उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रिटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या था, कल पढ़ाई थी मैं आपको, साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट में भी स्टेट और ट्रेड पता है आप लोगों को, ये दो वर्ड आपके साइकोलॉजी में भी बहुत आता है, मैनेजमेंट में हो गया, साइकोलॉजी में हो गया, योगा में भी है ये वर्ड, ट्रेड को बोल स्टेट और सकते हैं ट्रेड। क्वालिटीज, हाँ ट्रेड को बोल सकते हैं क्वालिटीज या नेचर, हाँ स्टेट भी वो कौन कौन सा स्टेट में है, कौन सा कंडीशन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक क्या है, जैसे कि क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में है इंसान, एंड देन वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिहेवियर कैसा है उसका ट्रेड वाइज। ठीक है, देखिए स्टेट और ट्रेड ये दो वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेड और स्टेट का मतलब एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो आपका थिंकिंग है बिहेवियर है, ठीक है, थिंकिंग बिहेवियर जो परमानेंट इन नेचर है वो आपका ट्रेड कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, ये भी थिंकिंग और बिहेवियर है लेकिन ये टेम्पररी है, ये आप सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्ट होता है वो आपके अंदर मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो ये परमानेंट टाइप होता है, ये टेम्पररी टाइप होता है, जो भी आपका बिहेवियर है, थिंकिंग है, ठीक है, जो बदलने वाला है, जो बदलने वाला होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है, और जो नहीं बदलता है, जो कितने लोगों के बीच में भी रहे लेकिन वो आपकी आदत है, वो थिंकिंग बिहेवियर, वो बिहेवियर आपकी आदत बन चुकी है, तो उसको ट्रेट कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, इतना ही डिफरेंट होता है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट ही है दोनों,
जो आपको मैं बताई थी, हैप्पीनेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, ये कंस्ट्रक्ट ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि कुछ चीजें क्या होती है, इनबिल्ट होती है। जैसे कि हम चार लोगों को देखते हैं तो उनके नेचर के बारे में बताते हैं ना कि ये बड़ा रूड लग रहा है, तो उसमें कुछ तो आप ट्रेट देख रहे हैं जो परमानेंट है उनके अंदर, तभी तो आप ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा रूड है, ये थोड़ा इमोशनल है, कुछ तो आप देखते हैं ना उसके अंदर। ठीक है, तो जो थोड़े पीरियड के लिए होता है, जो चेंज हो जाता है, उसको हम स्टेट में रखते हैं, और जो परमानेंट इन नेचर रहता है, जो परमानेंट इन नेचर रहता है, उसको हम ट्रेट कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को भी देख के हम चार लोगों से मिलते हैं, तो चार लोग तो हमको नहीं बोलते भैया हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, आप उनके अंदर कुछ तो बिहेवियर देख रहे होते हैं ना, फिर एनालाइज करते कि ये ऐसा है। ठीक है, तो जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक आदमी का होता है वो हमेशा उसके बिहेवियर से दिखेगा, वो आपका ट्रेड कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई कोई लालची किस्म का आदमी होगा, तो क्या वो आपको बोलेगा कि मैं लालची हूँ, लेकिन आप कुछ उसमें ऐसा बिहेवियर देखिएगा, आप उसमें कुछ ऐसा नोटिस कीजिएगा कि उसके बिहेवियर से आपको पता लगता है कि वो लालची इंसान है। ठीक है, तो उसी तरह जो है ये परमानेंट टाइप का होता है जो आपके पर्सनालिटी में होता है, बिहेवियर जो है, ये भी बिहेवियर थिंकिंग ही है और ये भी बिहेवियर थिंकिंग ही है, लेकिन ये क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए किसी का बिहेवियर किसी दोस्तों के साथ अलग होता है, ठीक है, हंसी मजाक का होता है, लेकिन फिर वही वही कहीं पे कोई ऐसे फॉर्मल जगह पे जाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट होता है, तो उसको स्टेट बोलते हैं, जो चेंज होते रहता है आपका, जो चेंज होता है। ठीक है, तो यही फर्क है इन दोनों में, स्टेट और ट्रेड कंस्ट्रक्ट, ये हर जगह ये वर्ड मिलेगा आपको। हाँ बताइए मैम। तो जैसे सपोज अगर हम योगा और डिप्रेशन को ही लेके चलें कि वो किस स्टेट में है, और अगर हम उसको योगा के थ्रू कोई इंटरवेंशन देते हैं, तो क्या जो उसका जो ट्रेट कंस्ट्रक्ट है वो क्या चेंज हो सकता है उस कंडीशन में, या वो फिर भी सेम ही रहेगा? ट्रेड कंस्ट्रक्ट बहुत, देखिए बहुत सारे इसमें ना ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है, जो ट्रेड कंस्ट्रक्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में ही देखिए आप, अगर किसी बच्चे को झूठ बोलने की आदत है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन दो दिन या एक महीने हम उनको योगा देंगे तो हमको दिखेगा, नहीं होगा ना। तो ट्रेड कंस्ट्रक्ट में थोड़ा टाइम लगता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाता है फिर आपका, क्योंकि देखिए योगा कोई मेडिकल कोई है चमत्कार तो नहीं है कि मतलब हम एक पांच दिन में दस दिन में फर्क पड़ता है, जैसे हम लोग के भी आरोग्य धाम में बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनको एक हफ्ते में भी फर्क पड़ता है, लेकिन उनके बीमारी की कंडीशन में जो टेम्पोररी इन नेचर है वो दिखता है, मतलब योगा का असर एक हफ्ते में भी दिखता है कि जो पेशेंट आते हैं ना उनका एक एक हफ्ते का शेड्यूल होता है और बहुत चेंजेस आता है उसमें, उनके बीपी में चेंजेस आता है, उनके हाइट में चेंजेस आता है, सॉरी वेट में चेंजेस आता है, बहुत सारा चेंजेस होता है, एंजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीजों में चेंजेस आता है, लेकिन जो उनका परमानेंट है, जैसे कोई आदमी बहुत गुस्से वाला है तो उसका एक परमानेंट ये हो गया है ना, उसको टाइम लगेगा उस चीज में। तो योगा दोनों पे काम करता है, स्टेट पे भी और ट्रेड पे भी, लेकिन उसका चेंज हो सकता है लेकिन थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली जो योगिक काउंसलिंग वगैरह होता है, ये काउंसलिंग सेशन सब होता है इनके लिए, जो स्टेट और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसके लिए आपका बहुत सारी चीजों मैटर करता है, सिर्फ आस्था प्राणायाम से ही नहीं होता, इसमें बहुत सारा चीज, इसमें एक आपको स्पेसिफिक मॉड्यूल तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये योगा दोनों पे करता है काम मैम। हाँ मैम, जो स्टेट होता है वो टेम्पररी होता है, तो ड्यूरेशन जो टेस्ट एंड रीटेस्ट का ड्यूरेशन हम ये सोचेंगे सेम स्टेट रहना चाहिए रीटेस्ट के टाइम में, अदरवाइज ये रीटेस्ट सही नहीं होगा। तो जो टेम्पररी है उसी टाइम में हमें ड्यूरेशन को सोचना है, और जो ट्रेट है वो तो परमानेंट है, तो ड्यूरेशन वहां पे नहीं। नहीं नहीं, ये देखिए इसका ये जो दो वर्ड है ना, इसका टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट का दो तरह का कंस्ट्रक्ट है आपका, एक स्टेट है एक ट्रेट है। इसको देखिए, इसमें सिर्फ आपको बोलने का मतलब है, पॉइंट थर्ड को मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रिटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, किसी चीज को इनडायरेक्टली जब हम नापते हैं, जो हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते, जो अपने ब्लड सैंपल से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम इनडायरेक्टली नापते हैं, चाहे तो क्वेश्चनेयर के थ्रू नापते हैं, या नहीं तो जैसे मैं कल बताई थी आपको एंजाइटी का, कि किसी को बहुत पसीना आ रहा है तो हम उसको देख के समझ रहे हैं कि उसको एंजाइटी है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं ना जो परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है, ये कंस्ट्रक्ट का टाइप है,
ठीक है, तो अब इस पे भी, अब टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी इस चीज पे भी ये समझिए एक लिमिटेशन है इसका, टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी का ये लिमिटेशन है कि ड्यूरेशन बिटवीन टेस्ट एंड रिटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट। मतलब अब जैसे मान लीजिए कि आप एंगर पे कर रहे हैं, एंगर भी एक कंस्ट्रक्ट है, इसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं, है ना, तो हम एंगर पे जो है कर रहे हैं टेस्ट रिटेस्ट, अभी हमने किया, ठीक है, अभी मैंने अपने ऊपर किया, तो क्या 5 मिनट के बाद फिर से मैं रेडी हूँ करने के लिए? ऐसा नहीं है ना, एक सर्टेन अमाउंट का मैं ड्यूरेशन होगा ना इन दोनों के टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी के बीच में, क्योंकि जो आपका इमोशंस है, एंगर है, हैप्पीनेस है, उसको ऐसा थोड़ी है कि अभी किए 5 मिनट के बाद फिर से कर लिए, ऐसा थोड़ी होता है। जो इमोशंस है, जितने भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पूरे दिन भर आपको 5-5 मिनट में आ रहा है या 10-10 मिनट में आ रहा है। आप एक ब्रेक लेंगे ना, एक ड्यूरेशन आप देखेंगे उसका, ऐसा नहीं है कि आपने अभी मेरे से लिया फिर 5-5 मिनट के बाद ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको ड्यूरेशन देखना होगा। मैंने कहा ना, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना अच्छे से, तो इसमें बस आप ये जान लीजिए कि ये है क्या। जब आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो ये सब कुछ समझ में आएगा उस समय आपको, ठीक है। तो इसमें मैम जैसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरेशन बिटवीन द टेस्ट एंड द रीटेस्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट, जैसे कि अभी आपने बताया अभी, तो यहाँ पे यही हम इस चीज को समझे, इसी तरह से ये समझे कि कंस्ट्रक्ट कैसा है, स्टेट वाला है या ट्रेट वाला है, परमानेंट है या टेम्पररी है, उसके अकॉर्डिंग ही बार बार टेस्ट लें। नहीं देखिए, ये कंस्ट्रक्ट का ना टाइप लिखा हुआ कि स्टेट और ट्रेट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट कोई भी हो, मान लीजिए आप एंगर पे ही कर रहे हैं, हैप्पीनेस पे ही कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कोई सा भी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ड्यूरेशन आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी, जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है ना, वो तुरंत नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि एक बार हमने सूर्य नमस्कार दे दिया 24 घंटे में, तो अगर हम वो दूसरे दिन अगर डेली नहीं भी करते, तो उसका इफेक्ट 2 दिन तक रहता है हमारे बॉडी में, जी ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो उसी तरह जो है हमारा जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है ना, ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में 2-3 बार 4 बार मतलब ऐसा हो रहा है। आपको एक दिन में ब्रेक ब्रेक देना है, 2 दिन में ब्रेक देना है, मतलब जो भी आप कॉन्स्ट्रक्ट ले, चाहे वो कोई सा भी हो, हैप्पीनेस है, जैसे कि आप हैप्पीनेस को ही लीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अभी आप टेस्ट लिए हैप्पीनेस का, फिर से दोबारा आप उसको एटलीस्ट 24 घंटे तो देंगे दोबारा उसको चेक करने जी, के लिए, जी ठीक है। तो ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक तरह से समझ लीजिए कि ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का था। देखिए बहुत डेप्थ में मत समझिए इसको, बस इतना समझिए कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होता क्या है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को नेट के लिए। तो ये आपका एक है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, दूसरा है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है ना, उसको आधा आधा बांट दिया जाता है। मान लीजिए कि कंट्रोल ग्रुप में आपका 50 डेटा है, ठीक है, योगा ग्रुप में भी आपका 50 डेटा है, तो क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप के डेटा को आधा आधा बांट देते हैं, मतलब 25+25, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के भी डेटा को 25+25, ठीक है, डेटा को आधा आधा बांट दिया हमने। और उसके बाद फिर आधा आधा डेटा का हम निकालते हैं कि इसका जो है रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ओवरऑल नहीं निकालते हैं रिलायबिलिटी, डेटा को आधा आधा बांट के निकालते हैं। इसी तरह सेम जो है हम क्वेश्चनेयर में भी करते हैं, ठीक है, मतलब चीजों को इसमें आधा बढ़ता है। ये अगर 10 लोगों पे किया है तो 5+5 हो जाएगा, 5+5 हो जाएगा, और 5 का अलग से निकालेंगे, 5 का अलग से निकालेंगे, फिर उन दोनों को हम मिलाते हैं कि ये 5 का कितना आया और ये 5 का कितना आया। जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों का जो है 10 आया और दूसरे 5 लोगों का जो है 15 आया, तो मतलब क्या है कि रिलायबिलिटी आसपास ही है, ज्यादा मतलब ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं स्प्लिट, मतलब किसी चीज को डिवाइड कर देना, तोड़ देना। तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मतलब हम इसको क्या करते हैं, डेटा को आधे आधे भाग में बांट देते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो इसमें दिया हुआ है कि आइटम्स इन अ क्वेश्चनेयर आर स्प्लिट इनटू हाफ टू हाफ्स, ठीक है, एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू हाफ्स
स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में मतलब किसी भी चीज को दो भागों में तोड़ तोड़ देना, जो भी जो है, चाहे वो आपका क्वेश्चनेयर हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चनेयर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चनेयर में एक डिप्रेशन का क्वेश्चनेयर यूज कर रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चनेयर दिए हुए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको पांच पांच भाग में डिवाइड डिवाइड करके उसकी रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं और फिर उन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। उसको कोरिलेटेड कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5 का 5 आया और 5 का 10 आया, तो दोनों में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, वो तो हम देखेंगे कि मेरा जो क्वेश्चनेयर है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी मतलब उसको चेक करें कि डिफरेंसेस कितनी है। बहुत ज्यादा का तो डिफरेंस मतलब किसी चीज को आधे आधे भाग में डिवाइड करके जब हम रिलायबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम जो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मैम इसके अंदर फिर वैसे भी रहेगा ना, जैसे कोई एक टेस्ट है तो दोनों में उस टेस्ट को किया फिर देखा, उस टेस्ट में ना इस वाले 10 5 लोगों को क्या असर हुआ, इस वाले 5 लोगों को क्या हुआ, तो उसके बीच में जो गैप होगा उसको कहा जाएगा कि ये रिजल्ट आया, ऐसा कुछ हाँ, उसके गैप को, ऐसा तो नहीं कि गैप बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, 10 लोग मेरे सैंपल में थे, ठीक है, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 लोग थे, तो क्या वो 5 लोगों का हमने अलग कर लिया, 5 लोगों का हमने अलग कर लिया। मान लीजिए इस 5 का भी जो है 10 आ रहा है और इस 5 का 12 आ रहा है, तो बहुत ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं हुआ ना फिर, ठीक है। तो जब हम अपने ही डेटा को 2 भाग में बांट देते हैं तो और उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी निकालते हैं, तो उसको हम लोग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिलायबिलिटी के अंदर दो दो रिलायबिलिटी था, टेस्ट रिक्वेस्ट रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। देखिए जो समझने वाला रिलायबिलिटी है वो है आपका इंटरनल रिलायबिलिटी। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? नहीं मैम, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए पहले वाला। किसका? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का जी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप है, ये जितना भी कहानी है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है ना, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, दो दो ग्रुप होता है, एक होता है योगा ग्रुप जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, यही होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो योगा ग्रुप है उसमें भी 10 10 सैंपल लिया हमने, हम मतलब मेरा जो सैंपल साइज है वो 10 लोगों का है और कंट्रोल ग्रुप में भी 10 10 लोगों का है। तो हम क्या करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में, इसको 5 5 में डिवाइड कर देते हैं इसके रिजल्ट को। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का हमने टेम्परेचर लिया थर्मामीटर से, तो हमने क्या किया उसका थर्मामीटर का रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि 5 लोगों को अलग कर दिया और 5 लोगों का अलग, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से भी 5 + 5 हो गया और कंट्रोल ग्रुप में भी 5 + 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो 5 + 5 है उसका जो है दोनों का हाफ करने में कितना का डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए हो सकता है कि हम थर्मामीटर से 5 लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले में से ले रहे हैं तो 98 आ रहा है, ठीक है, और जो बाकी के 5 लोग है उसका 99 आ रहा है, तो बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं है ना अगर हमने दो दो भाग में डिवाइड कर दिया अपने डेटा को। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट मतलब तोड़ना, हाफ मतलब आधा, जब आधा मतलब जब 50% हम तोड़ तोड़ देते हैं, आधा आधा कर देते हैं और उसके बाद हम रिलायबिलिटी लेते हैं, तो उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2 रिलायबिलिटी थे आपके जिसको एक्सटर्नल रिलायबिलिटी बोलते हैं, पहला था टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, दूसरा था आपका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है जी मैम। तीसरा है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी, या इसको हम लोग क्रोनबेक अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे नापते हैं, जैसे कि स्प्लिट हाफ में क्या करते थे, हम 2 ही हाफ बना रहे थे ना, 5 + 5 का 5 + 5 का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ये स्प्लिट हाफ के तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वेज एंड देन कैलकुलेटिंग 1 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जिसको हम क्रोनबेक अल्फा बोलते हैं, कि जो आपका टेबल है, मान लीजिए जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें 10 10 लोगों का हमने लिया और 10 लोगों में क्या है कि हमने जो है 3 असेसमेंट टूल यूज किए थे, एक थर्मामीटर यूज किया था, एक उसका जो है हमने हाइट लिया था और एक हमने जो है उसका वेट लिया था। तो 3 वेरिएबल हो गए ना हमारे पास, हाइट वेट और बीपी,
ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी यूज करते हैं। तो जैसे कि ये तीन हमने असेसमेंट टूल लिया, तो तीनों असेसमेंट टूल को हमने बहुत तरीके से जो है इसको डिवाइड किया, हमने हॉरिजॉन्टल भी किया, लॉन्गिट्यूडनल भी किया, मतलब इसको स्प्लिट हाफ, इसमें भी जो है हाफ हाफ ही कर रहे हैं लेकिन दो भागों में नहीं हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, जस्ट टू चेक कि इसकी रिलायबिलिटी जो है कैसी है क्रॉम्बेक अल्फा में। ये मत समझिए अभी आप कि क्रॉम्बेक ये कैसे डिवीजन हो रहा है, वो सारा स्टैटिस्टिकल बात है, ठीक है, बस ये समझिए कि स्प्लिट हाफ में हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालना होता है तो उसको बहुत सारे भाग में डिवाइड करके फिर हम देखते हैं कि इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी हम तभी यूज करते हैं जब हमारे स्टडी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे चार है, पांच है, छह है, तभी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी यूज करते हैं। और एक वैल्यू हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इसके लिए आप जब स्टैट्स पढ़ेंगे ना तभी आपको ये जो है समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझिए कि स्प्लिट हाफ में हम दो भाग में डिवाइड करते थे, इसमें दो भाग में डिवाइड नहीं कर करके हम अलग अलग कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कर रहे हैं, मिडिल से भी कर रहे हैं, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक जो है वैल्यू आ रहा है उसी को हम लोग क्रॉम्बेक अल्फा बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल ये सारा जो है टेस्ट आपका कंप्यूटर करता है, ये क्रॉम्बेक अल्फा जो है ये आपका सिस्टम निकालता है जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे सॉफ्टवेयर में है आपका जमो भी हो गया, SPSS हो गया, R हो गया, ये सब जो है सॉफ्टवेयर है जिससे हम ये सब वैल्यू निकालते हैं, क्रॉम्बेक अल्फा निकालते हैं या रिलायबिलिटी निकालते हैं या वैलिडिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉम्बेक अल्फा रिसर्च पेपर में आपको क्रॉम्बेक अल्फा और इंटरनल कंसिस्टेंसी ये दोनों में से कोई एक ही वर्ड मिलेगा, ऐसे क्रॉम्बेक अल्फा बहुत कॉमन है। तो अब इस क्रॉम्बेक अल्फा का भी जो है ना, अब इसको बोला गया कि ये स्प्लिट हाफ से भी बेटर है, क्योंकि स्प्लिट हाफ में तो दो ही ग्रुप बन रहा था, इसमें तो हम बहुत सारा बना रहे हैं ना ग्रुप, बहुत तरह से तोड़ तोड़ के इसको जो है इसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी से अच्छा माना गया है, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू आता है क्रॉम्बेक अल्फा का वो 0 से 1 में आता है, अगर मान लीजिए 1 से बढ़ गया तो समझिए कि तो पूरा बेकार हो गया फिर। अब देखिए इसमें वैल्यू भी दिया हुआ है कि अल्फा वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 1, ये जो क्रॉम्बेक का वैल्यू होता है ना ये 0 to 1 होता है। अब इसमें भी क्या है कि अगर 0.90 आया है तो वो क्या हो गया, एक्सीलेंट हो गया। अगर क्रॉम्बेक अल्फा का वैल्यू अगर 0.90 आया है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिलायबिलिटी है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0.80 आया है तो वेरी गुड है, अगर 0.70 आया है तो गुड है, 0.60 आया है तो फेयर है, ठीक है, और अगर 50 में फंस गए तो फिर तो बेकार है, पुअर है, तब तो आपका जो आपने जो रिसर्च किया है वो फिर आपका पुअर आ गया, मतलब उसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, हम वो दूसरे पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। ये रिसर्च की जो है रिलायबिलिटी, ये रिसर्च रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते इस रिसर्च पे। तो क्रॉम्बेक अल्फा हमेशा निकाला जाता है, जैसे हम लोग का भी जो है योगा मॉड्यूल जो हम मैं तैयार की थी उसका भी क्रॉम्बेक अल्फा मैं निकाली थी, तो मेरा क्रॉम्बेक अल्फा आया था 0.70। तो क्रॉम्बेक अल्फा आपका सॉफ्टवेयर से आता है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग उसमें क्रॉम्बेक अल्फा निकालने के लिए। और क्रॉम्बेक अल्फा जो है ये हर रिसर्च में ये निकालते हैं कि आपका रिसर्च कितना रिलायबल है, ठीक है। तो जो मैं मॉड्यूल भी बनाई थी उसमें जो रिलायबिलिटी टेस्टिंग हुआ था उसमें क्रॉम्बेक अल्फा के थ्रू हुआ था, ठीक है। जो स्प्लिटिंग करेंगे डिफरेंट वेज, आप बोले थे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और क्या बोले थे? देखिए वो ना तरीका होता है वो सॉफ्टवेयर का, हाँ मतलब वर्टिकली भी हो सकता है या मिडिल से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों का डेटा जो है उसमें जो है उसमें जो वेरिएबल है मान लीजिए बीपी है, हाइट है, वेट है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है सिस्टम जो है वो कभी जो है ऊपर से 2 ले रहा है, कभी नीचे से 2 ले रहा है, कभी 20 से 2 ले रहा है, मतलब इस तरह करके वो एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालता है, एक
तो जो वो वैल्यू आता है ना, जिसको हम लोग क्रॉम्बैक अल्फा बोलते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू आता है जो सिस्टम अपने हिसाब से लेती है, ये सारा देखिए स्टेटिस्टिक का कहानी है। तो वो जो क्रॉम्बैक अल्फा आता है, वो क्रॉम्बैक अल्फा खुद जो है वो सिस्टम से आता है, और वो क्रॉम्बैक अल्फा का वैल्यू जो है 0 to 1 में होना चाहिए। तो अगर उसका वैल्यू जो भी उसने निकाला है, दाएं बाएं आगे पीछे जो भी उसने क्रॉम्बैक अल्फा निकाला है, वो हमेशा 0 to 1 में रहता है, ठीक है, 0 to 1 में रहता है। और जो इसका वैल्यू आता है, ये हम इस पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको जैसे ही आप उसको देंगे ना क्रॉम्बैक अल्फा को निकालने के लिए स्टेटिस्टिकल टूल में, जैसे मान लीजिए मैं आर के थ्रू, आर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं क्रॉम्बैक अल्फा निकाल रही हूँ, और क्रॉम्बैक अल्फा मेरा जो है आ गया 0.60, तो वो सिर्फ आपको सिस्टम ये बताएगा कि आपका जो क्रॉम्बैक अल्फा है वो 0.60 है, ठीक है। नहीं तो मंडे को मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे पास एक्चुअली वो पीडीएफ है टेस्ट जो मेरा रिजल्ट आया था, तो वो इसी तरह वो कैसे लिखा होता है, वो बस आपको ये लिखा हुआ है कि क्रॉम्बैक अल्फा आपके रिसर्च का ये आया है, ठीक है। अब आपको ये टेबल देके समझ जाना है कि आपका रिसर्च कितना रिलायबल है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, फेयर है या पुअर है, ठीक है। मैं वो कैसे स्प्लिट करना है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर देता है, रिसर्चर को नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये मैनुअल नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जी। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग को आर सिखाया गया है, किसी का एसपीएसएस होता है, अभी रिसेंटली जमो भी आया है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सॉफ्टवेयर पे जैसे होता है ना, आप कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं, आपने इंटर किया और आपका प्रोग्रामिंग का रिजल्ट आ गया, अब वो कंप्यूटर कैसे किया हमें पता तो नहीं है, उसी तरह जो है हमें पता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना होता है, हमने वो किया और उसके बाद फिर क्रॉम्बैक अल्फा का वैल्यू आ गया। अब मुझे भी नहीं पता है उसमें क्या क्या हुआ, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग करते होंगे या कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं, तो अचानक से रिजल्ट आ जाता है ना, आपको तो नहीं पता कि अंदर उसको कैसे प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो ये क्रॉम्बैक अल्फा जो है, आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, इवन की जो मैं रिसर्च पेपर आपसे शेयर की हूँ उसमें भी पक्का ये क्रॉम्बैक अल्फा हुआ, आप देखिएगा उसमें लिखा होगा कि उसका क्रॉम्बैक अल्फा कितना आया था, मतलब वो जो मॉड्यूल बना है वो कितना रिलायबल है, ठीक है। ओके, देखिए इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी समझने के लिए आपको मैं एक वीडियो दे दूंगी आपके ग्रुप में, जिसमें सीवीआर रेशियो कैसे निकलता है वो मैं बताई हुई हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिन बोली थी ना कि आपको अगर मॉड्यूल वैलिडेट कराना होता है तो उसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो सीवीआर रेशियो क्या है, लॉसी फॉर्मूला क्या है, ये सब उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, वो मैं जितेंद्र जी को बोलूंगी वो डाल देंगे, ठीक है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी तब हम करते हैं, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, मेजर द कंसेंसस अमंग डिफरेंट रेटर्स यूज टू वैलिडिटी न्यू टूल्स बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो मैं आपको बताई थी ना कि अगर किसी को जो है मॉड्यूल वैलिडेट कराना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, डेवलपमेंट का, कि हम मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू से, एंशियंट लिटरेचर रिव्यू से, हम जो है जिस चीज पे हमें करना है, मान लीजिए कि अगर किसी को एंगर के ऊपर करना है, ठीक है, कि एंगर को कैसे रोका जाए, तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स जो है कुछ एंशियंट लिटरेचर रिव्यू से लेते हैं, मतलब कुछ अपने योगा टेक्स्ट बुक से लेते हैं, ठीक है, कुछ अपने जो है मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू से, गूगल वगैरह से जो है, गूगल स्कॉलर हो गया, पबमेड हो गया, उसके ऊपर उसको कीवर्ड बनाते हैं और सर्च करते हैं, फिर हम निकालते हैं कि हाँ इसके लिए पश्चिमोत्तान आसन बहुत अच्छा है, राइट नोस्ट्रिल चैनल बहुत अच्छा है, अगर हम सूर्य सूर्य अनुलोम विलोम कर, मतलब इस तरह से जो है हम एक मॉड्यूल बनाते हैं, आसन प्राणायाम मेडिटेशन इस तरह करके हम एक मॉड्यूल बनाते हैं। उसके बाद जो है जब वो डेवलपमेंट हो जाता है, जब वो मॉड्यूल डेवलप कर लेते हैं, तो फिर उसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस जो ऑलरेडी योगा फील्ड में है, जो ऑलरेडी इस पे काम किए हुए हैं, या जो थेरेपी देते हैं डिप्रेशन एंजाइटी का, हम उनसे क्या करते हैं, ओपिनियन लेते हैं कि देखिए ये चीज हमने डेवलप किया है, ये चीज जो है मेरा काम कर, मतलब इस पे आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है, कि आप मतलब अगर मुझे जो है प्राणायाम को डालना है, तो प्राणायाम में भी बहुत तरह के प्राणायाम है, कौन कौन से प्राणायाम को आपको आपको हटाना है, कौन से प्राणायाम को डालना है, इस तरह करके क्या होता है हम ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी आता है, क्रॉम्बैक अल्फा तो हम निकालते ही है, ठीक है, उसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी निकालते हैं जब हम मॉड्यूल डेवलप करते हैं। तो मॉड्यूल डेवलप जब डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है,
ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद में होता है लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, जिसको ये एक नापने का, रिलायबिलिटी नापने का तरीका है। लॉसी जो है, जब भी हम कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो उसका हमें मेजर करना होता है, उसके रिलायबिलिटी को निकालने के लिए। तो जब भी आप कोई नया मॉड्यूल बनाएंगे तो उसमें इंटरनेट रिलायबिलिटी यूज करते हैं हम, कि जो हमने, जो मान लीजिए 20 एक्सपर्ट से हमने एडवाइस लिया, जो ओपिनियन लिया, ठीक है, वो कितना रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्योंकि हमें भी पता नहीं है ना, हमने तो डेवलप किया एंशियंट लिटरेचर बुक से पढ़ के या मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू कर करके, तो जो ओपिनियन हमें मिला, अगर 10 लोगों ने, 10 एक्सपर्ट ने मेरे मॉड्यूल को ओपिनियन दिया, तो उसकी भी रिलायबिलिटी चेक होती है। वो भी हम वैसे ही करते हैं, वो भी जो है हम अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, फिर हम उसको वो अलग निकालते हैं, फिर ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी के थ्रू जो है हम लॉसी का जो है एक पूरा टेबल ही है, लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो का, वो मैं उस वीडियो में डाली हुई हूँ। इसमें क्या होता है कि हर का जो है, जैसे कि 10 लोगों ने किया तो इसका वैल्यू ये होगा, 10 10 10 होगा, 11 लोगों ने किया तो 11 होगा, 12 लोगों ने किया तो 12 होगा, फिर इस तरह से जो है ना, हम एक स्टैंडर्ड बना हुआ है रेशियो का, फिर उससे मिलाते हैं कि हमारा जो है, फिर उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, ये बहुत डेप्थ की बात हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मॉड्यूल डेवलप करना है या आपको समझना है, तो वो मैं बोल दूंगी, तो वो आपको लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो कैसे निकालते हैं उसमें मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो निकालते हैं, इसी को हम लोग इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई न्यू ट्यूल बनाते हैं, हमने बोला ना कि जब कोई कोई भी ऐसी बीमारी हो, मैं आपको बताई ना कि पहले क्या था, पहले हम बोलते थे योगा को अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिसिन इसलिए बोलते थे क्योंकि जो है इसको हम किसी के साथ यूज नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ हम योगा दे रहे हैं। लेकिन फिर बाद में ये बन गया इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन बना तो अल्टरनेटिव वर्ड हट गया, ये निभांस के थ्रू आया है, अल्टरनेटिव वर्ड हटा करके हम उसको जो है योगा को इंटीग्रेटिव मेडिसिन कर दिए। अब इसको योगा को जो है, या आयुष को कोई भी ट्रीटमेंट को, हम अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ भी जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ है कि आजकल मॉड्यूल वैलिडेशन पे बहुत काम हो रहा है, जितने भी बीमारी है, जितने भी मतलब ये है, इसके लिए एक पार्टिकुलर चाहिए ना कि कौन सा जो है ये ठीक कर सकता है, कौन सा बहुत यूजफुल ट्रीटमेंट है। अगर मेरा बीपी का भी दवाई चल रहा है, साथ में मैं योगासन भी कर रही हूँ, तो उस दवाई के साथ साथ मेरे और मैं कौन सा योगासन, क्योंकि हर कोई हर बीमारी में सारा आसन तो कर नहीं सकते, सारा प्राणायाम तो नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक प्राणायाम होगा, कोई स्पेसिफिक आसन होगा या एक मॉड्यूल होगा, तो उस बीमारी के साथ उसको जो है हम दे पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है आजकल हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है हम जब देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। तो ये है आपका जो है इंटररेटर रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी भी आपका इंटरनल रिलायबिलिटी हुआ, क्रॉम्बेक अल्फा और इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी में लॉसी कंटेंट वैलिडिटी का मैंने आपको बता दिया, ये अगर किसी को बहुत डेप्थ में जानना हो, नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CVR क्या होता है, या कंटेंट वैलिडिटी रेशियो किस में निकालते हैं, इंटररेटर रिलायबिलिटी में निकालते हैं, ठीक है। और किसी को डेप्थ में जानना हो, किसी को मॉड्यूल डेवलप करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा हो कुछ डेवलपमेंट का, तो इसको जरूर जरूर देख लीजिए कि इस पे काम कैसे होता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी में जो है आज आपका ये चार तरह का रिलायबिलिटी हमें पढ़ना था, ठीक है। नाम से बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें होता क्या है, जैसे कि टेस्ट रिटेस्ट में हम बार बार किसी चीज को कर रहे हैं, एक बार टेस्ट हो रहा है फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहा है फिर रिटेस्ट कर रहे हैं। स्प्लिट हाफ में जो है हम डेटा को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। और देखिए ये सारा कुछ सिस्टम पे ही हो रहा है, कुछ मैनुअल नहीं कर रहे हैं आप, मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन ये हम सब सारा कुछ हमारा ये हम सिस्टम से निकालते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर से निकालते हैं,
ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है, स्प्लिट हाफ की तरह ही है, लेकिन इसको दो भाग की जगह बहुत बहुत तरह के, इसमें जब हम बहुत सारा वेरिएबल अपने रिसर्च में डाल देते हैं, बहुत सारे वेरिएबल को हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो हम उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी यूज करते हैं जिसको हम प्रॉम्बैक अल्फा बोलते हैं। और इंटर डेटा रिलायबिलिटी क्या हो गया, जब कभी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन कोई मॉड्यूल डेवलपमेंट में या कोई स्केल डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चनेयर डेवलपमेंट में जब हम जो है काम करते हैं, तो जो हमने ओपिनियन लिया है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है, वो कितना रिलायबल है आपका, वो चेक करते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी में, ठीक है। तो ये चार तरह का रिलायबिलिटी था आपका। अगर किसी को कोई डाउट हो, मतलब हाँ बताइए। एक्सपर्ट ओपिनियन मिलने के बाद हम क्या जो सॉफ्टवेयर में फिर से उसको यूज करेंगे वो क्या उसका समरी या कंक्लूजन जानने के लिए क्या ओपिनियन था उनका? देखिए जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है ना, उसमें सीवीआर रेशियो जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे सीवीआर रेशियो जो लॉसी फॉर्मूला में बताई, लॉसी फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये बहुत उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लोगों से कराया, 10 एक्सपर्ट से कराया, तो 10 एक्सपर्ट से कराया तो उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है कि उतना वैल्यू आना चाहिए। अगर आपने 10 लोगों से कराया है तो मान लीजिए 10 10 लोगों का कराने पे जो है आपका वैल्यू जो है मान लीजिए आपका जो वैल्यू आया है सीवीआर वैल्यू आया है 9 मान लीजिए, ठीक है, और वो जो टेबल में दिया है कि 9 नहीं उसमें जो है आपका 10 होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है उसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ एक्सपर्ट ये फॉर्मूला है लॉसी फॉर्मूला, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, तो उस फॉर्मूला से फिर हम निकालते हैं। जब आपको वीडियो डालेंगे ना तो फिर आप देखिएगा उसमें कैसे कैसे, उसमें सारा मैं पीपीटी के थ्रू समझाई हुई, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीवी उसमें कि उस फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं। मैम ब्रीफली बोल सकते हैं मैनुअली एक्सपर्ट ओपिनियन को चेक नहीं करके सॉफ्टवेयर में हम शॉर्टली जान सकते हैं क्या समरी या कंक्लूजन आया है एक्सपर्ट का? हाँ हाँ ठीक है, वो ये आपका नंबर ऑफ एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, उस वैल्यू के आसपास होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैसे समझाऊं कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो है सीवीआर रेशियो आएगा, एक प्रॉपर सीवीआर रेशियो आएगा, ठीक है, फिर उस सीवीआर रेशियो से हम फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो टेबल बना होता है ना उस टेबल से कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए कि उस प्रैक्टिस का सीवीआर रेशियो जो है, मान लीजिए कि मेरा सीवीआर रेशियो जो मैं निकाली हूँ वो 8 आया है, मान के चलिए, ठीक है, 8 आया है, और जो मैं स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, जो ऑलरेडी जो जो ऑलरेडी उसके लिए बना हुआ है वो 8 से नीचे है या 8 से कम है, तो वो प्रैक्टिस को हम लेते नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस इसमें नहीं नहीं आएगा, ठीक है, वो लॉसी फॉर्मूला के थ्रू हम निकालते हैं। वो वीडियो में डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, उसमें बिल्कुल मैं डिटेल में बताई हूँ कि इसको कैसे करते हैं, कैसे किया किया जाता है, ओके ठीक है। तो चलिए ये इतना आपका चार, ये था रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, आपको इतना पढ़ना है, जो वर्ड्स है उसको पकड़िए कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन नहीं हो या कोई दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत है अभी। हाँ बताइए। एक्चुअली जो आपने ग्रुप में डाला था ज्ञान कोष का जो सब्जेक्ट कोड वगैरह भी, और उसमें ऑप्शन तो रिसर्च का मैम आ नहीं रहा कोई पेपर का। नहीं, जो मैं आपको ये दी थी वो तो डायरेक्ट आपको रिसर्च के बुक पे ही जाता है वो तो। हाँ जो डायरेक्ट गए थे, लेकिन उसमें रिसर्च का बुक नहीं है, उसमें बीए जनरल से बीए हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये उर्दू संस्कृत वगैरह हिस्ट्री वगैरह ये सब। अभी हम प्रेयर करके आप अभी यही मतलब अभी प्लेयर करके मैं स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देखना है, ठीक है। चलिए प्रेयर कौन कौन कराएगा आज? ओम प्रकाश जी, चलिए आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। सभी लोग किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सिर सीधा रखें, आंखें कोमलता शुभन, दोनों हथेलियां
ज्ञान मुद्रा में रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, अपने मन तन को शिथिल करें, 3 बार ओम का उच्चारण प्रणव ध्वनि का गुंजन करें, तत्पश्चात शांति पाठ मंत्र का जप करें। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को पानी करें, घर्षण करें, उन गर्म तिलियों से निकलती ऊर्जा को अपनी बंद आंखों पर करके अपने चेहरे की मालिश करें, तिलियों के अंदर आंखों खोलें। सबको नमस्ते।